हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग एक ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को चिंताहरण महादेव के दर्शन कराने वाला हूं और दो ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप चिंताहरण महादेव के दर्शन करने जरूर आएंगे। और डेफिनेटली जब आप लोग आएंगे ना चिंताहरण महादेव के दर्शन करने, तो आपको यहाँ आके पीस जरूर मिलने वाला है, शांति बहुत मिलने वाली है और एक सेटिस्फेक्शन एक अलग सा ही मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चिंताहरण महादेव के दर्शन करने। हर हर महादेव। गाइस, अभी हम लोग ये गोकुल बैराज है, गोकुल बैराज का पुल है, हम उसके ऊपर से निकल रहे हैं। ये है जमुना मैया, यहाँ पे बोलो जमुना मैया की जय। यहाँ से ही जब कृष्ण जी को गोकुल में लाया गया था तो वो इसी जमुना जी के थ्रू ही लेके आया गया था नीचे से। अभी मैं आप लोगों को जमुना मैया के भी प्रॉपर दर्शन कराऊंगा जिससे आप लोग जमुना मैया के बस इस वीडियो के थ्रू ही दर्शन कर सके। बहुत अच्छे से दर्शन कराऊंगा अभी। बोलो जमुना मैया की जय। ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल गोकुल बैराज का जो पुल है वो बिल्कुल ठीक वहाँ पर है। और यहीं से इसी जमुना मैया के थ्रू ही यहाँ से जो कृष्ण जी को लेके आया गया था गोकुल में, वो इसी जमुना मैया के थ्रू लेके आया गया था। और यही पीछे मेरे यहाँ पर गोकुल है, ये पूरा पूरा पीछे गोकुल के मंदिर, गोकुल के दर्शन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग किसी ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर शांति हो। और एक मतलब जब पानी की जो लहर की आवाज़ आ रही है, एक तो देखो नॉर्मल पानी की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पर ये तो फिर भी जमुना मैया है जिनकी आवाज़ सुन के, जिनका जल लेके बड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं आज का जो वेदर हुआ पड़ा है वो भी बहुत ही अच्छा। आप बादल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बादल भी ऊपर। और जमुना मैया की आवाज़, बस थोड़ी सी यहाँ पर एक कमी है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो गंदगी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर हम लोग इस जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो जो लोग आएंगे यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। बस थोड़ा सा जो एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर यही है, वो भी हम लोगों की वजह से। हम लोग ही यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, अपना कुछ भी खाया वो यहीं फेंक के चले जाते हैं। अगर हम लोग कोशिश करें साफ़ रखें जगह को, तो बैठने में जो एक अलग ही आनंद आता है, जो एक एंजॉय होता है, वो आई गेस मतलब प्राइसलेस है, बिल्कुल प्राइसलेस, उसका कोई कीमत नहीं हो सकती। आप कितने लाख रुपए भी खर्च कर लेना, आपको जो पीस यहाँ पर रह के मिलेगा ना, वो कहीं भी नहीं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से निकल के सीधा हम लोग बीच में रमण रेती पड़ता है, बट आई गेस उसका टाइमिंग है वो शायद 12 बजे से 4 बजे तक बीच में बंद रहता है, तो शायद हम वहाँ नहीं रुकेंगे। तो हम आगे सीधा चिंताहरण महादेव के दर्शन कराएंगे, बट मैं आप लोगों को जगह ज़रूर दिखा दूंगा कि रमण रेती पीछे कहाँ पर है, और जो अपना ब्रह्मांड घाट भी है वहाँ पर बीच में रास्ते में पड़ता है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। पर हम दर्शन सीधा चिंताहरण महादेव के करेंगे और अभिषेक करेंगे, और फिर उसके बाद कहानी तो बतानी ही है मुझे कि उनको चिंताहरण महादेव क्यों कहा जाता है। गाइस, अगर आप लोग कभी भी चिंताहरण आना चाहें, रमण रेती आना चाहें, तो गोकुल बैराज पे इधर ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जगह एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले आप लोग बोटिंग कर सकते हैं, उसके बाद उसके ठीक राइट में पार्क भी है, तो आप पार्क में बैठ के अगर घर से कुछ भी बनवा के लाए तो वहाँ पर बैठ के कुछ भी खा सकते हैं, झूले भी लगे हुए हैं, बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, और चाट वगैरह भी है यहाँ पर। तो मतलब एक तो कहते हैं ना फुल पैकेज है, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली आप फैमिली के साथ आइए, बच्चे बड़े सब लोग एंजॉय करेंगे यहाँ पर। के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ। और ये ठीक सामने मेरे मंदिर है गोकुल का, जो कि मैं आपको पर्टिकुलर एक किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको गोकुल के सारे मंदिर दिखाऊंगा एक एक करके नहीं। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं और सीधा चिंताहरण महादेव में आप लोगों को मिलते हैं। बहुत ज्यादा ही जाम है आज तो। ये एक और प्रवेश द्वार है किसी मंदिर का, प्रभु श्री जय गोपाल जी मंदिर, यहाँ भी चलेंगे। गोकुल के जिस दिन मैं आप लोगों को दर्शन कराने आऊंगा, मैं सारे मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, लेकिन आज हम पर्टिकुलर एक चिंताहरण महादेव के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर रश बहुत है।
आज तो पता नहीं कहाँ से जनता इतनी छूट के आई है कि इतनी ज्यादा जनता हो गई। अब ये मानिए कि गोकुल बैराज से चिंतारण पहुंचने में जितना टाइम लगता है ना, आज वो उतना टाइम गोकुल बैराज से उसके 5 मिनट वाले रास्ते में लगा है। इतना रश है आज। गाइस कमेंट करके बताइएगा कौन कौन चिंतारण गया हुआ है और उधर का सबसे अच्छी चीज आप लोगों को क्या लगती है। गाइस ये जो पेड़ है ना, ये आई गेस 400 साल पुराना पेड़ है जिसकी आप शाखाएं देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा घनी हुई पड़ी है। हाथ से भी तोड़ सकते हैं हम लोग नीचे खड़े। तो गाइस ये रमड रेती का बोर्ड, हम लोग रमड रेती पहुंच चुके हैं और आज बहुत ही ज्यादा रश है। कोई दिक्कत नहीं है, मजा तो हर चीज का लेना चाहिए, चाहे वो रश हो चाहे वो शांति। ये है रमड रेती का मेन गेट। रौनक है तभी लग रहा है हम किसी मेले में आए हैं, नहीं तो खाली खाली होता तो शायद उतना मजा भी ना। ये मेन गेट है रमन रेती का और अभी हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग सीधा चिंतारण महादेव जाएंगे, यहाँ नहीं रुक रहे हम लोग। ये हम लोग ब्रह्मांड घाट पर आ चुके हैं। ये ब्रह्मांड घाट का मेन गेट है और मैं आप लोगों को ये रमन रेती ब्रह्मांड घाट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैं आगे आपको स्टोरी बताने वाला हूँ ना कि चिंतारण महादेव का नाम चिंतारण क्यों रखा गया, वो इन सब चीज़ों का इसमें रोल है कुछ ना कुछ, इसलिए मैं आप लोगों को इस जगहों के दर्शन करा रहा हूँ। ये आप लोग बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेन गेट है ब्रह्मांड घाट का।
सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों ने दर्शन करे चिंताहरण महादेव के और भी बहुत सारे भगवान जियों के दर्शन करे, तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चिंताहरण महादेव की मान्यता क्या है, क्यों इनको चिंताहरण महादेव कहा जाता है। जैसे कि हम सब लोगों को पता था, बचपन में जब कृष्ण जी एक बार बाहर घूम रहे थे, ऐसे खेल रहे थे, तो उन्होंने खेलते खेलते मिट्टी खा ली थी। तो मिट्टी खा ली और उन्होंने अपने मुंह में मिट्टी रख ली। फिर एकदम से माँ यशोदा आई और उन्होंने अपने कान्हा को देखा, तो कान्हा को देखते ही उन्होंने कहा, लल्ला तूने मिट्टी खाई है, मुँह खोल। तो कृष्ण जी मुँह ना खोले क्योंकि उन्होंने मिट्टी खा रखी थी। एकदम से फिर से उन्होंने कहा, लल्ला मुँह खोल। तो उन्होंने जब जैसे मुख अपना खोला और मुख खोलते ही यशोदा मैया को उनके मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। एक छोटे से लल्ला के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन देख के वो एकदम से चिंतित हो गई। अभी मैंने आप लोगों को पीछे ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराए थे, वही ब्रह्मांड घाट पे उन्होंने ब्रह्मांड को देखा था उनके मुख के अंदर। तो एकदम से यशोदा मैया जब चिंतित हो गई तो उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूँ। तो वो इधर उधर परेशान होते हुए घूमती रही, तो एकदम से चिंतित हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो एकदम से उन्हें एक गुरुदेव मिले बाहर। तो उन्होंने उन गुरुदेव से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे लल्ला ने मिट्टी खाई थी और मैंने उसके मुख के अंदर जब देखा तो उसके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपकी चिंताओं का सिर्फ एक ही जगह निवारण है, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना, वहाँ पर आपको एक शिवलिंग मिलेगा, आप उसकी पूजा करना, आप अपनी सारी चिंताओं को उनको बता देना और वो सारी चिंता आपकी हर लेंगी। तो वो एकदम से यहाँ पर आई, इन्हीं शिवलिंग के जिसके अभी हमने आपको दर्शन कराए थे, इसी शिवलिंग में आके उन्होंने इसकी पूजा करी, इसका अभिषेक किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे। तो उनको फिर आगे पता चला कि जो उनका जो लल्ला है वो एक अहम लल्ला नहीं, वो साक्षात भगवान है। तो इसीलिए इधर जो चिंताहरण है, फिर उन्होंने उनकी सारी चिंताएँ हर ली। इसीलिए उस दिन से इधर जो मंदिर का नाम है, शिवलिंग का नाम है, वो चिंताहरण महादेव पड़ा। और एक छोटी सी कहानी और मैं बताना चाहूँगा। जब आप चिंताहरण महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, या आप आम तौर पे किसी भी शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, तो आप जिस शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं सिर्फ उसी का आपको पुण्य मिलता है। मगर जब आप चिंताहरण महादेव के शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो वहाँ पे 1108 शिवलिंगों का आपको पुण्य मिलता है। मतलब एक शिवलिंग पे अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो वो 1108 शिवलिंग के बराबर माना जाता है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं यहाँ पे चिंताहरण महादेव की, जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध है। आप 84 कोस की यात्रा करेंगे तब भी आप लोगों को बीच में चिंताहरण महादेव का मंदिर आएगा। और बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पर भजन हो रहे थे, लोग मतलब नृत्य कर रहे थे भजनों पे, और आप यहाँ पे पीछे जमुना जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा वातावरण है यहाँ पे आके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और मैं अक्सर आता रहता हूँ, पर मैं अपने सब्सक्राइबर से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक बार आएँ और उन लोगों को सच में पीस मिलेगा यहाँ पे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको कैसा फील हुआ यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी शांति की अनुभूति हुई है और मैं चाहूँगा मैं दोबारा फिर से आऊँ। जी, तो रमड़ रही थी तो आप आए हुए थे पहले, बट चिंताहरण तक नहीं आना फर्स्ट टाइम। तो मैं आप लोगों को गाइस लोकेशन भी, कई लोगों को लोकेशन नहीं पता इसकी एग्जैक्टली, तो मैं आप लोगों को लोकेशन भी बता देता हूँ। ये रमड़ रेती, अगर आप आते हैं तो रमड़ रेती से 4 किलोमीटर आगे आपको चिंताहरण महादेव का मंदिर मिलेगा। आप प्लीज़ आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार ज़रूर आइएगा और आपको सच में बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। आई गेस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार मेरे साथ चिंताहरण महादेव का जयकारा लगाइए। बोलो चिंताहरण महादेव की जय। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। बोलो यमुना मैया की जय।